ड्रीम बाजार वॉज अ मैसिव मार्केटिंग स्टंट प्लस अ मैसिव मिसहैप, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग पे कोई कम बजट नहीं लगाया था। तकरीबन हर इन्फ्लुएंसर को तो हायर कर लिया था, अब इससे ज्यादा क्या करते हैं वो भाई ड्रीम बाजार वाले। तो अब घर घर तो पहुंच गए थे और एक एक्सपोनेंशियल जो है ना वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो गया था अबाउट ड्रीम बाजार। कुछ देखें, जो लोगों ने किया वो अपनी जगह है, उसको मैं कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो चीज़ तो गलत है ही ऑब्वियस। इट्स अ मोमेंट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एज वेल फॉर अस कि ये हम लोग इंसान हैं भी कि नहीं। 20% ऑफ द पीपल कंट्रोल द 80% ऑफ मार्केट एंड 80% ऑफ द पीपल कंट्रोल द लेफ्ट ओवर 20% ऑफ द मार्केट। बात क्या है? बात थोड़ी अजीब सी है, कंफ्यूजिंग सी भी है, थोड़ा समझते हैं। आप अगर महंगा बेचोगे आपको कम लोग मिलेंगे लेकिन क्वालिटी लोग मिलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सैयद साद बिन मुशर्रफ वंस अगेन विद दिस चैनल। एक्चुअली हमने लास्ट थर्सडे कैंडिड गॉसिप की एपिसोड वन की थी, एपिसोड वन उसको नाम नहीं दिया था बट अब मैं दे दूंगा उसको नाम। खैर, हमने एक एपिसोड वन की थी जिस पे रिस्पांस बहुत अच्छा आया, जिसमें हम वन ऑन वन डिस्कशन कर रहे थे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा था, ठीक है। तो उस फीडबैक, उस रिस्पांस को देखते हुए आई डिसाइडेड कि अब इसको एज अ सीरीज एक प्रॉपर हमें शुरू करना चाहिए। और नाउ आई विल बी ड्रॉपिंग वीडियो ऑन एवरी थर्सडे एंड अ डिफरेंट एपिसोड ऑफ कैंडिड गॉसिप, ठीक है। तो ये एक सेगमेंट आप कह सकते हैं इस चैनल पर। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक इज अबाउट अ रीसेंट इंसिडेंट ड्रीम बाजार का ऑन 30th, जो उनकी ग्रैंड ओपनिंग थी और उधर जो कियोस्क क्रिएट हो गया था, मिसहैप हुआ था, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब इस जगह पे कुछ मतलब बीइंग अ बिजनेस ओनर या बीइंग अ मार्केटिंग प्रोफेशनल या बीइंग अ बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट, ठीक है, उधर बहुत सारे की टेक अवेज थे जिससे हमें लर्निंग लेनी है, ठीक है। तो हम वो समझते हैं। मेजरली यहाँ पे तीन चीज़ें, ठीक है, एक एक को बारी बारी हम डायसेक्ट करते हैं और समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो नंबर वन इज प्रेटो प्रिंसिपल। प्रेटो प्रिंसिपल इज एक्चुअली 80-20 रूल, और कुछ लोग उसको प्रेटो प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, कुछ 80-20 रूल के नाम से जानते हैं। इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं सिंगल लाइन में बता दूँ, कि 20% ऑफ द यूजर, 20% ऑफ द यूजर कंट्रोल द 80% ऑफ द मार्केट, बट 80% ऑफ द यूजर कंट्रोल रेस्ट 20% ऑफ द मार्केट। यानी कि जो 80% का इन्फ्लक्स होता है इतने लोगों का, वो रेवेन्यू में सिर्फ आपको उनसे 20% का रेवेन्यू मिलता है, लेकिन जो रेस्ट ओवर 20% के लोग होते हैं ना, उनसे पूरी मार्केट का वो 80% रेवेन्यू वो लोग जो है ना, वो कस्टमर्स जो है ना, वो क्वालिटी कस्टमर्स होते हैं और 80% का रेवेन्यू उनके हाथ में होता है। तो अब हमें डिसाइड करना होता है डे फर्स्ट पे कि हमने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। अब उस जगह पे सबसे ज़्यादा जब आप ये चीज़ें कंसिड्रेशन में लाते हो तो आपको उसके रेपरकशंस देखने होते हैं। रेपरकशंस में, क्योंकि देखें, अगर आप सपोज प्राइस कम करके ज़्यादा लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप वो 80% वाले लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, 80% ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, यानी नंबर में ज़्यादा चाहिए, तो फिर उनको मैनेज करने के लिए उस हिसाब से मैनेजमेंट कॉस्ट भी आपकी इनकर करनी पड़ती है, यानी आपकी कॉस्ट ऑफ सेलिंग बहुत बढ़ जाती है। तो इस वजह से ज़्यादातर ये हमें ये समझाया जाता है या हम आगे गाइड करते हैं लोगों को कि यार आप क्वालिटी 20% को टारगेट करो, उनसे आपको 80% का रेवेन्यू मिल जाएगा। यानी कि अगर वो 50 रुपए की जगह 500 रुपए की शर्ट बेचते तो उस दिन कम लोग आते उनके स्टोर पे, लेकिन क्वालिटी लोग आते, जो अफोर्ड कर सकते होते हैं वही आते, ठीक है, और उनकी सेल्स उतनी ही होनी थी, क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग पे कोई कम बजट नहीं लगाया था। तकरीबन हर इन्फ्लुएंसर को तो हायर कर लिया था, अब इससे ज़्यादा क्या करते हैं वो भाई ड्रीम बाजार वाले। तो अब घर घर तो पहुंच गए थे, तो अब पॉइंट ये है कि बस उनको वो लोग चाहिए थे जो लोग उनको अच्छा रेवेन्यू देकर जाते, रादर के वो इतना सब कुछ करेंगे, मतलब अभी उनको इससे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाना था और उनको अपनी पहली ब्रांच ही इतने दिन से बंद करनी पड़ गई है, क्योंकि वो दोबारा सब कुछ सेट करेंगे, फिर उसके बाद दे आर प्लानिंग के लॉन्च करते हैं, पता नहीं लॉन्च करते भी या नहीं करते, क्योंकि इट वॉज अ ह्यूज मेस अनफॉर्चुनेटली। इट्स अ मोमेंट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एज वेल फॉर अस कि ये हम लोग इंसान हैं भी कि नहीं, ठीक
ठीक है, बट एक आज का टॉपिक का मैं पॉइंट ऑफ व्यू रादर ऑडियंस की तरफ पर्सपेक्टिव नहीं है, मेरा पर्सपेक्टिव है बीइंग अ बिजनेस ओनर के बिजनेस ओनर ने क्या गलती की है, तो इस वजह से उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। बट अब इसके बाद इधर कोर कॉन्सेप्ट एक दूसरा आता है, दैट इज कि अगर आपको प्राइसेस मतलब आपको अगर सेल्स बढ़ानी होती है तो बहुत सारे मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सबसे चीप टैक्टिक्स होता है जिसमें आप प्राइसेस गिराते हैं, ठीक है। तो जब आप चीप टैक्टिक्स अडॉप्ट करते हो तो फिर आपको ऑडियंस भी वैसी ही मिलती है, ठीक है। तो फिर आई बिलीव कि आपको पहले से प्लान करके रखना है, सारे नॉट जस्ट प्रिकॉशंस प्रिपरेशंस करके रखनी पड़ती हैं। प्रिकॉशंस तो तब हो कि कोई मिसहैप हो, बट इस तरह आपने खुद एक मतलब अनअनाउंस्ड चीज़ नहीं है वो, आपको आपने जब इधर एक सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब मार्केटिंग के बहुत सारे टैक्टिक्स हैं सेल्स इंक्रीज करने के, जिसमें एक सबसे चीप और सब स्टैंडर्ड टैक्टिक्स है जिसमें आप प्राइसेस गिराते हो। अब प्राइसेस गिराते हो जब, तो उसी तरह की फिर आपको ऑडियंस भी मिलती है, ठीक है। तो फिर अगर हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि अब आपका यूज़र बैंक तो बढ़ गया, कस्टमर बैंक तो बढ़ गया, लेकिन अब कस्टमर बैंक कौन आ रहा है उसके हिसाब से प्रिपरेशन भी तो करो ना भाई, ठीक है। तो अब वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अब मैसिव बिजनेस लैकिंग या बिजनेस होमवर्क लैकिंग, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा ये कॉन्सेप्ट जो लास्ट वाला है ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा है तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई समझना चाहता है तो जस्ट कॉमेंट, तो मैं उसको अलग से सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा और इधर कहीं आई कार्ड पे लगा दूंगा, अभी फिलहाल तो नहीं, ठीक है। तो खैर अब पॉइंट ये है कि उस कॉन्सेप्ट के बारे में ये है, उसमें तीन टर्म्स होती हैं जो आप तीन वैल्यूज़ होती हैं जो आप कैलकुलेट करते हो बिफोर स्टेपिंग इनटू एनी बिजनेस, दैट इज़ टैम सैम सॉम। ये तीन टाइप ऑफ वैल्यूज़ हैं जिसमें आप कैलकुलेट करते हो कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है नंबर वन, सेकेंड इज सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट कितनी है, थर्ड इज सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट कितनी है। अगर ये इसकी कैलकुलेशन सही होती, अगर ये सब ये लोग कैलकुलेट सही किया होता तो दे वुड हैव बी नोइंग दिस कि एक्चुअली उनके पास उस दिन इतना यूज़र बैंक आएगा अगर वो ये प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि बायर्स की बाइंग पावर का बिजनेस शुरू करने से पहले पता होता है, ठीक है, कि अगर मैं सपोज प्रोडक्ट को इतने चार्ज करूंगा तो इतना बंदा आएगा, इससे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो बंदे कम हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा बढ़ाऊंगा फिर हो जाएंगे, आखिर में जब आप अनरियलिस्टिक प्राइसिंग पर चलेगा फिर कोई भी नहीं आएगा परचेस, लेकिन इतना गिरा दूंगा तो फिर शायद बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मसला सबसे बड़ा ये होता है कि आप जब इतना अनरियलिस्टिक चीज़ें करते हो ना, अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें करते हो, तो बहुत दफ़ा बायर्स नहीं आते, सिर्फ ऐसे ही लोग देखने आ जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। अब वो आपको अगर इतना फुटफॉल चाहिए था, मतलब इन सेंस के अगर कोई ख़रीदने नहीं भी आ रहा बस स्टोर देखने आ रहा है, तो फिर आपको स्टोर उस इतना बड़ा बनाना था ना, या अगर स्टोर बनाया था तो इतना उधर उधर आपके वॉलंटियर्स होने चाहिए थे, मतलब इतना कुछ होना चाहिए था कि अगर सपोज एक बंदा आया तो हर बंदे को मैनेज करने के लिए एक आपका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे खड़ा हो, अगर सपोज 100 बंदे आए तो 100 रिप्रेजेंटेटिव, बट ऑन रियल ग्राउंड उतना नहीं था, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं किया, मतलब मेरा मसला उससे पहले का है कि मतलब उन्होंने जो प्रिपरेशन नहीं की वो तो सेकेंडरी है, बट प्राइमरी मसला ये है कि उन्होंने जो होमवर्क नहीं किया ना, इन अ सेंस के उन्होंने ऑडियंस साइज गलत कैलकुलेट किया, दिस इज सम जो एक बिजनेस ओनर को या जो कोई भी बंदा स्टार्टअप करने लगा है तो वो उसकी वो कैलकुलेशन वो होमवर्क ज़्यादा मैटर करता है। ड्रीम बाजार ने मतलब मुझे इस चीज़ का दुख है थोड़ा सा कि ये इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है थ्रिफ्टिंग स्टोर का, और जितनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने लगाई है नॉट जस्ट वो स्टोर सेटअप करने के लिए, उसके अलावा उन्होंने मार्केटिंग में किसी बंदे को नहीं छोड़ा, किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं छोड़ा, तो अब इतना सब कुछ जब इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो आई बिलीव कि ऐसे स्टोर्स की ब्रांचेज होनी चाहिए थी कुछ टाइम में, बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो एग्जिस्टिंग स्टोर था वही स्टोर बंद हो गया इतने दिन से, ठीक है, क्योंकि वो इतना सब कुछ हुआ, और आई बिलीव के वो दोबारा खुले बिकॉज इट्स समथिंग जो यूनिक है और इसका स्टिल रूम है मार्केट में, इस इंडस्ट्री की बहुत सारी जगह है,
तो और आई बिलीव कि थोड़ा सा लोगों को भी अपना है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर वीडियो पसंद आई है तो जस्ट लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई आप लोग तो सब्सक्राइब करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें इन कमेंट। आपको अगर लगता है कि मुझे लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और वीडियो बनानी चाहिए डिटेल्ड वीडियो, तो उस पर वीडियो बना लेंगे। बट उसके अलावा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई चीज़ है जो आप शेयर करना चाहते हैं उसके लिए भी कॉमेंट करें। और दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस वॉज सैयद सादिन मुशर्रफ साइनिंग आउट फ्रॉम द एपिसोड 2 ऑफ कैंडिड गॉसिप थर्सडे स्पेशल। ठीक है, तो लेट्स मीट अनदर थर्सडे इन दिस फॉर्मेट। बाकी तो नॉर्मल वीडियोज आती ही रहेंगी।